नमस्कार दोस्तों, आई होप गाइज आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए लेके आ चुका हूँ पाई नेटवर्क की तरफ से लेटेस्ट अपडेट्स। आप सभी को पता है कि जुलाई का महीना जो है स्टार्ट हो चुका है। अभी माइनिंग को लेके क्या चल रहा है, ओपन मैनेज को लेके क्या चल रहा है, प्राइसिंग को लेके या ओवरऑल क्या चल रहा है, सारा कुछ आज की वीडियो के अंदर आप सभी को जानने को मिलने वाला है। तो वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखना, तभी आपको सारी चीज़ें अच्छे तरीके समझ में आएगी। और एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पे ऑल पे प्रेस कर लेना। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप जाके उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर लेता हूँ एंड हम चलते हैं फर्स्ट अपडेट की तरफ। यहाँ पे लिखा गया है, इन द वर्ल्ड ऑफ क्रिप्टो वी ऑल नो व्हाट वी वांट। जैसा कि आप सभी को पता है, क्रिप्टो जो करेंसीज हैं अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। शेयर मार्केट का पूरे महीने का जितना वॉल्यूम होता है उससे कहीं ज़्यादा एक दिन का होता है क्रिप्टो मार्केट का। और अभी के टाइम में नए नए बहुत सारे कॉइन्स आ रहे हैं, उन सब में जो सबसे पॉपुलर अभी हमें देखने को मिलता है वो है पाई नेटवर्क। क्योंकि आप इसकी फैन फॉलोइंग देखोगे, इसके एडवर्टाइजमेंट देखोगे तो बहुत ही क्रेजी लेवल पर होता है। और यहाँ पर आपको एक फुटेज के अंदर दिखाया जा रहा है किस तरीके से वेट किया जा रहा था और किस तरीके से सक्सेस यहाँ पे मिलने वाला, और यहाँ पे किस तरीके से बेटा की बात की जा रही है, फिर टेस्टनेट, फिर एनक्लोज मैनेट, फिर फाइनली मैनेट हमें देखने को मिलेगा 2024 के अंदर, जैसा कि आप सभी को क्लियर हो चुका है। और यहाँ पे अब बहुत ही नेक्स्ट लेवल की चीज़ें हमें देखने को मिलने वाली है, जो आपको टाइम टू टाइम अपडेट होता हुआ देखने को मिल जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो ज़रूरी अपडेट है। जैसा कि आपको पता है कि जुलाई का महीना स्टार्ट हो चुका है, तो बेस माइनिंग रेट को लेकर क्या चल रहा है। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है, द बेस माइनिंग रेट इन जुलाई इज 0.004052 पाई एच, ठीक है। और अभी के टाइम में ये जो लो हुआ है पिछले महीने से, तो वो है 1.71% के आसपास। और अभी आप यहाँ पे देख पाओगे कितना है जुलाई का, और पहले जो था वो 0.004075 के आसपास था। और यहाँ पे प्रॉपर टेक्निकल टर्म्स में भी लिखा गया है एग्जिट वैल्यू क्या है, ठीक है। आप यहाँ पे देख पाओगे बेस रेट वगैरह क्या है। अगर आपको एक्स्ट्रा पाई कॉइन्स को माइन करना है तो आप सभी रेफरल्स वगैरह का यूज़ कर सकते हो, नॉट्स का, सिक्योरिटी सर्कल्स वगैरह का यूज़ कर सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। यहाँ पे पाई नेटवर्क ने कुछ अपडेट्स किए हैं एक्टिविटी के रिलेटेड, जो पार्टिसिपेशन हुआ था पाई सेकेंड स्पेशल डे चैलेंज के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे रिवॉर्ड्स वगैरह की बात की जा रही है। जैसा कि आप यहाँ पे देखोगे कुछ चीज़ें शो की जा रही है। फर्स्ट है टेक नेक्स्ट एक्शन इन मैनेज चेकलिस्ट, ठीक है। आप सभी को जो चेकलिस्ट है वो बेसिकली एक्शन लेना है, कंप्लीट करना है अगर आपके लिए ये अवेलेबल है तो। सेकेंड है रिव्यू न्यू सोशल प्रोफाइल ऐप सेटिंग, अभी ये लेटेस्ट आया है तो इसको आप विजिट करके कंप्लीट कर सकते हो, जिसमें कि आपकी प्रोफाइल वगैरह शो होती है, ठीक है। थर्ड है कस्टमाइज योर न्यू सोशल प्रोफाइल, ठीक है। उसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, प्रोफाइल अपडेट कर सकते हो, ठीक है। और भी सोशल हैंडल के यहाँ पे आपको अपडेट्स देखने को मिल जाएंगे। और लिखा गया है चूज़ एन इमोजी टू अपियर नेक्स्ट टू योर यूज़र नेम इन द चैट ऐप, ठीक है। तो इमोजी वगैरह बहुत चल रहा है, तो आप यहाँ पर भी इस चीज़ को यूज़ कर पाओगे। विजिट द न्यू वॉलेट लॉकअप्स, तो यहाँ पे आप विजिट कर सकते हो न्यू वॉलेट लॉकअप्स के रिगार्डिंग। तो वॉलेट्स लॉकअप का आपको पता चल रहा होगा, जितने टाइम ड्यूरेशन के लिए आप करते हो उस हिसाब से आपके जो पाई कॉइन्स हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। अवेलेबल इन द वॉलेट ऐप, ठीक है, ये आपको अवेलेबल हो जाएगा वॉलेट ऐप के अंदर। न्यू लॉकअप्स क्रिएटेड इन योर मैनेज वॉलेट विल बूस्ट योर माइनिंग रेट, ठीक है। जो ये न्यू लॉकअप्स हैं वो क्रिएट हो जाएगा आपके मैनेज वॉलेट के अंदर, और आपकी जो माइनिंग रेट है उसको ये बूस्ट करने वाला है नेक्स्ट सेशन के लिए, ठीक है। तो अगर ये चीज़ें आप अनेबल करोगे तो आप एक्स्ट्रा पाई कॉइन्स को माइन कर पाओगे, क्योंकि अभी आपको पता है कि आप लिमिटेड माइन कर पा रहे हो, और इसी साल आपको इसकी लॉन्चिंग भी देखने को मिलने वाली है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे पाई नेटवर्क की ऑफिशियल अपडेट भी आ चुकी है, जो कि 3.3 मिलियन के आसपास फैन फॉलोइंग है। रीड द फुल पाई टू डे अनाउंसमेंट टू लर्न मोर अबाउट द कम्युनिटी प्रोग्रेस इन द ओपन नेटवर्क कंडीशंस, ठीक है। यहाँ पे कुछ स्पेशल चीज़ों की बात की जा रही है, जिसमें ऑल प्रोडक्ट्स हैं, टेक रिलेटेड है, कम्युनिटी इनिशिएटिव है, फैसिलिटीज़ है। मतलब कि अभी जो मीटिंग कॉन्फ्रेंसेस हो रही है, बार्टर सिस्टम हो रहे हैं, प्रमोशंस हो रहे हैं, इन सभी चीज़ों की बात की जा रही है, प्रोडक्ट्स की बात की जा रही है, पाई नेटवर्क के खुद के प्रोडक्ट्स हैं या जो नॉर्मल आप प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो उसकी यहाँ पर बात की जा रही है, और टेक्निकल टर्म्स की भी यहाँ पर बात की जा रही है। और इस चीज़ को ऑफिशियली पाई नेटवर्क के जो फाउंडर हैं उन्होंने बताया है, मतलब कि बहुत सारी जो चीज़ें हैं उन पर बहुत डिटेलिंग में काम किया जा रहा है। इसी वजह से पाई नेटवर्क का जो कॉइन है पाई कॉइन ग्लोबल लेवल पे आपको देखने को मिलने वाला है। अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि इंडोनेशिया की तरफ से अपडेट आ चुका है, बाली की तरफ से। और वहाँ के जो पाइनियर्स हैं किस तरीके से अनेबल कर चुके हैं P2P जो परचेज़ है गुड्स एंड सर्विसेज का। और ऐसा एक कंट्री के अंदर नहीं हो रहा, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर हमें ये सेम चीज़ देखने को
मिल जाती है। इसी वजह से पाई नेटवर्क की डेली बेसिस पे जो फैन फॉलोइंग है वो हमें इंक्रीज होती हुई देखने को मिल जाती है, ठीक है। उसके साथ और भी चीज़ें आप यहाँ पे देख पाओगे, जैसे कि यहाँ पे लोग अलग अलग तरीके से प्रमोट वगैरह कर रहे हैं, और वेब थ्री वगैरह मेटावर्स वगैरह के रिगार्डिंग आपको नॉलेज लेनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है, तभी आप एक अच्छा अर्न कर पाओगे। और क्रिप्टो के अंदर जिसके पास अच्छी खासी नॉलेज है वो एक अच्छा अमाउंट अर्न कर पाता है कम टाइम के अंदर। और यहाँ पे पाई ब्रिजेस के रिलेटेड भी कुछ अपडेट्स आ चुके हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे दी फर्स्ट चैम्पियन टू रीच दी एपेक्स लेवल विल बी वो। तो यहाँ पे आप देखोगे कि आप सभी को कुछ चीज़ें देखने को मिल रही है जो अभी लेटेस्टली यहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई हैं, जिसके अंदर आप सभी अपने बूस्ट कर सकते हो, मैक्सिमाइज़ कर सकते हो, इनवाइट कर सकते हो फ्रेंड को, उस हिसाब से आपको रिवॉर्ड्स और प्राइजेस वगैरह देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पे पार्टनरशिप अनाउंसमेंट की जा रही है टी पाई बी टोकन, जो कि टॉन ट्विड बॉट के हिसाब से मतलब कि करने वाला है, मतलब पार्टनरशिप करने वाला है। और पार्टनरशिप अब आपको धीरे धीरे अलग अलग जगह पे और देखने को मिलने वाली है, और अभी यहाँ पे लिखा गया है 2 लाख प्लस यूज़र्स हैं जो अभी हाल फिलहाल के अंदर ये चीज़ें कर रहे हैं। 20% के आसपास आपको यहाँ पे ट्रांजेक्शन देखने को मिलती है टॉन नेटवर्क के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे और भी चीज़ें टाइम टू टाइम एक तरीके से इंक्रीज़ किया जाएगा, स्टेबल किया जाएगा और इम्प्रूव वगैरह किया जाएगा। डिस्कवर दी अपॉर्चुनिटी टू माइन फ्री कॉइन्स, ठीक है, फ्री कॉइन्स आप यहाँ पे माइन वगैरह कर सकते हो, स्टेक वगैरह भी है, अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हो तो आप स्टेक वगैरह को भी यूज़ कर सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ, और यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, जिसमें मेजर प्लेयर्स इन पाई नेटवर्क कंटिन्यूस टू कोलैबोरेट। जो मेजर चीज़ होने वाली है वो हमें कोलैब्स ही देखने को मिलने वाले हैं, किसी भी ब्रांड को इंक्रीज़ करने के लिए कोलैब्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, और अभी के टाइम में ये धीरे धीरे करके बढ़ने वाला है। अलीबाबा के साथ आपने देखा होगा बहुत पहले ही आ चुका है अपडेट, जिसमें बताया गया था कि अलीबाबा के साथ ये काम करने वाले हैं। अलीबाबा एक बहुत बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, जैसा कि आप सभी को पता है, इंटरनेशनल लेवल पे, और यहाँ पे कुछ चीज़ों की बात की जा रही है। दी बैरियर बिटवीन दी पाई कम्युनिटी एंड ट्रेडिशनल क्रिप्टो कम्युनिटी, ठीक है। क्रिप्टो कम्युनिटी के अंदर आप देखोगे चीज़ें थोड़ी डिफरेंट है, और बात की जाए पाई कम्युनिटी के अंदर यहाँ पे चीज़ें डिफरेंट है, मतलब पाई कॉइन अभी मार्केट के अंदर आया भी नहीं है, फिर भी हमें इसकी बाइंग एंड सेलिंग या वार्डर सिस्टम देखने को मिल जाता है। और लिखा गया ट्रेडिशनल क्रिप्टो कम्युनिटी इज़ वेरी ओपन टू न्यू प्रोजेक्ट्स एंड अपॉर्चुनिटी टू अर्न मनी थ्रू क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स। पाई कम्युनिटी ट्रेंड्स टू बी मोर इंसल्यूर फोस्टरिंग मेनली ऑन माइनिंग पाई एंड फेयरली एंगेजिंग विद अदर प्रोजेक्ट्स। तो आप यहाँ पे ये देख पाओगे कि आपको तो पहले पैसे नहीं लगाने, फ्री में आपको माइन करना है, और यहाँ पे एक चीज़ नहीं है, 36 टाइप ऑफ चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। क्रिप्टो के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें, मेटावर्स, गेमिंग, डाओ, NFT, वेब 3.0 और भी बहुत सारी चीज़ें, तो यहाँ से आप अर्न कर सकते हो, ठीक है। अभी नहीं, फ्यूचर में जब ये प्रॉपर तरीके से लॉन्च हो जाएगा, और अगर आपके पास अलग अलग प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड या अलग अलग टेक्निकल नॉलेज है तो आप किसी भी क्रिप्टो से इजीली पैसा जनरेट कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे कुछ चीज़ों की बात की जा रही है, पाई इकोसिस्टम के अंदर अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो अच्छे तरीके से कर रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ पे पाई चैन मॉल देख पाओगे, टेलटॉक देख पाओगे, पाई बेस देख पाओगे, पाई न्यूज़ देख पाओगे, ये अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं जो पाई नेटवर्क को सपोर्ट करते हैं और इनको बेसिकली प्रमोट भी करते हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ, यहाँ पे बात हो रही है पाई ब्राउज़र के बारे में, और आप सभी को पता है न्यू प्रोफाइल का जो फीचर है जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में ही एक्सप्लेन किया था, तो यहाँ पे आपको सिमिलर देखने को मिल जाता है जिस तरीके से फेसबुक या एक्स ट्विटर वगैरह आप सभी यूज़ करते हो। यहाँ पे कम्युनिटी एंथुजियास्टिक देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर जो भी अभी करेंटली चल रहा है वो सब अपडेट आपको देखने को मिल जाएगा, मतलब जिस तरीके से अभी आप एप्लीकेशंस यूज़ करते हो सेम तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, कोई ऐसा डिफरेंट देखने को नहीं मिलेगा, मतलब आपके हिसाब से ही चीज़ें कनेक्टेड यहाँ पे बनाई गई हैं। ओवरलोडेड सर्वर यहाँ पे होने वाला है। दी एक्साइटमेंट वॉज सो हाई दैट फायरसाइड फॉरम एक्सपीरियंस ओकेशनली सर ओवरलोड ड्यू टू इन्फ्लक्स ऑफ यूजर क्रिएटिंग देयर प्रोफाइल्स। जैसा कि आप सभी को पता है कि किसी भी प्लेटफॉर्म पे एक टाइम पे ज़्यादा लोग आ जाते हैं और उसकी कैपेसिटी उतनी नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं ग्लिच करता है या सर्वर डाउन हो जाता है, बग्स आते हैं, बट उन सभी चीज़ों को यहाँ पे मेंटेन किया जा रहा है, क्योंकि पाई नेटवर्क की जो फैन फॉलोइंग है डेली बेसिस पे बढ़ रही है, तो ये अपनी ब्लॉकचेन को भी, सर्वर को भी, कम्युनिटी को भी, इकोसिस्टम को भी, नॉट्स को भी, हर एक चीज़ को बिल्ड कर रहे हैं और डेली बेसिस पे अपडेट कर रहे हैं। बहुत ज़रूरी है चीज़ करना, नहीं तो ओपन मेंट आएगा, लोगों का सर्वर डाउन आएगा या पेमेंट्स नहीं होंगे, तो कोई लॉजिक नहीं होगा, सब कुछ बहुत स्मूथली चलना चाहिए, ठीक है। आखिरी पॉइंट के अंदर बात की जा रही है फ्यूचर इंटीग्रेशन, फ्यूचर इंटीग्रेशन की यहाँ पे बात की जा रही है, जिसके अंदर लिखा गया देर आर प्लान्स फॉर द प्रोफाइल फीचर टू बी सेमली इंटीग्रेटेड अक्रॉस ऑल एप्लीकेशन विद इन द पाई नेटवर्क इकोसिस्टम। मतलब कि आप एक ही एप्लीकेशन सभी चीज़ कनेक्ट कर पाओगे, सब फैसिलिटीज आप एक ही जगह पे ले पाओगे,
इन चीज़ों की यहाँ पे बात की जा रही है और सब कुछ बहुत ही एनहेंसिंग होने वाला है और यूज़र एक्सपीरियंस आपको ओके रिपोर्ट देखने को मिलने वाला है। सो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर यही था, आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी तक वीडियो पे बने हुए तो प्लीज़ गाइज एक लाइक कर देना और नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर जरूर प्रेस कर देना। मिलता है नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।